हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज हम सीटेट साइंस का एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और टारगेट सीटेट दिसंबर 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो आशा करती हूँ आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24x7। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में सारे डिटेल जाने। आज हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है एंड प्लास्टिक क्या होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक सिमिलर टू द नेचुरल फाइबर आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट। द लार्ज यूनिट आर कॉल्ड पॉलीमर। यानी सिंथेटिक फाइबर जो है वो दिखने में तो बिल्कुल नेचुरल फाइबर की तरह रहता है, बट उसको नेचुरली वो नहीं मिलता है। उसको कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्री में बनाते हैं, बहुत सारे केमिकल का यूज़ करके। जैसे वो किससे बना होता है? लार्ज यूनिट ऑफ पॉलीमर से बना होता है, यानी बहुत सारे मोनोमर को मिलाकर पॉलीमर तैयार होता है और सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक बनता है, ठीक है ना। दीज आर मेड अप ऑफ बाय कंबाइनिंग मेनी सिमिलर एंड डिसिमिलर स्मॉल यूनिट। द स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। तो यानी बहुत सारे स्मॉल जो बहुत सारे यूनिट होती है ना सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, उस यूनिट का नाम क्या होता है? मोनोमर। जब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। और ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है फैक्ट्री के अंदर, बहुत सारे केमिकल का यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है ना। हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या होता है? हमें ना कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है, नेचुरल प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। बट ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये कहाँ से मिलता है? केमिकल के थ्रू बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है। अब आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी ना कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, नेचुरल फाइबर जो होता है उसको प्रोसेस करने में, उससे फैब्रिक बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत पैसे भी लगते हैं, यानी वो एक्सपेंसिव होता है और टाइम भी है, मेहनत भी है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि हमारे पैसे भी कम खर्चे हो और हम केमिकली बहुत सारे अमाउंट में फाइबर बना सके, इसलिए सिंथेटिक फाइबर उसका रिप्लेसमेंट है। देखो, नेचुरल फाइबर क्या होता है? कॉस्टली होता है। तो हर लोग उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो हर लोगों के पास फाइबर पहुँचे उसके लिए सिंथेटिक फाइबर का डिस्कवर किया गया। समझ में आ गया आपको बात? सिंथेटिक फाइबर हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूज़ रेंजिंग फ्रॉम मेनी हाउस होल्ड आर्टिकल लाइक रो, बकेट, फर्नीचर, कंटेनर, ETC। यानी सिंथेटिक फाइबर का कहाँ यूज़ किया जाता है? हमारे हाउस में, हमारे घर में, हाउस होल्ड आर्टिकल यानी घर के सामानों में, जैसे रोप यानी रस्सी बनाने में, बकेट यानी बाल्टी बनाने में, फर्नीचर बनाने में, है ना, कंटेनर्स यानी बर्तन बनाने में, इन सब चीज़ों में कहाँ यूज़ किया जा किसका यूज़ किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करता है। टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट इन एयरक्राफ्ट। और बड़े पैमाने में कहाँ यूज़ किया जाता है? एयरक्राफ्ट में, है ना, एयरक्राफ्ट, स्विफ्ट स्पेस क्राफ्ट, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ों में भी किसका यूज़ किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर, सम सिंथेटिक फाइबर आर रियोन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। तो ये जो चारों हैं ये सिंथेटिक फाइबर में आते हैं, ठीक है ना। अलग अलग केमिकल का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। और अगर फोर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर अगर आपसे क्वेश्चन आए तो क्या आप बताओगे? रियोन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। दीज आर फोर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले रियोन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रियोन की डिस्कवरी क्यों हुई थी? क्योंकि देखो, सिल्क क्या होता है, सिल्क को प्रोसेस करने में, सिल्क का जो फाइबर लेने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत कॉस्टली होता है। तो उसका रिप्लेसमेंट निकाला गया
रियॉन कैसा होता है, बिल्कुल सिल्क की तरह ही दिखता है, बट वो सिल्क नहीं है, उसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर जिस जो कि आदमियों द्वारा, आम जनता द्वारा बनाया जाता है, ऑप्टेंड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स कॉल्ड वुड पल्प। ये क्या है, मैन मेड फाइबर है जो कि आदमी मतलब लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और लेकिन इसको इसका जो ये रॉ मटेरियल है वो कहाँ से निकाला जाता है, नेचुरल प्रोसेस से, जिसको वुड पल्प बोलते हैं ना, वुड लकड़ियों के पल्प से निकाला जाता है। ये है तो आर्टिफिशियल फाइबर है ना, सिंथेटिक फाइबर, लेकिन इसका जो इसका इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से निकाला जाता है, नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल सोर्स से, जिसको हम बोलते हैं वुड पल्प। यानी अगर क्वेश्चन आए कि रियॉन किस नेचुरल सोर्स से बनाया जाता है, तो वुड पल्प से। इट कैन बी डाई इनटू ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर, और उसको क्या किया जाता है, बहुत सारे कलरों में कलरिंग की जाती है, रंगा जाता है, जैसे रेड ग्रीन। आपको यहाँ पर किस कलर का रियॉन फाइबर दिख रहा है, पिंकिश या पिंकिश रेड दिख रहा है ना। तो ये एक्चुअल में इस कलर का नहीं था, इसको डाई किया गया है, इसको कलर किया गया है, ठीक है ना। रियॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। अब रियॉन को अगर हम कॉटन के साथ मिला देंगे तो क्या बनता है, बेडशीट बनता है, और जब रियॉन को हम वूल के साथ यानी ऊन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है, कारपेट बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। रियॉन को मिक्स करेंगे कॉटन के साथ तो बेडशीट बनेगी, और रियॉन को वूल के साथ यानी ऊन के साथ मिक्स करेंगे तो कारपेट बनेगा। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाइबर जो है, जो कि सिंथेटिक फाइबर है, जिसको नैलोन बोलते हैं, है ना, नैलोन। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये जो नैलोन था ये फर्स्ट फुल्ली, इसमें कोई भी नेचुरल सोर्स का यूज़ नहीं किया गया था, इसीलिए इसको फर्स्ट फुल्ली यानी सबसे पहला जो कि सिंथेटिक फाइबर था जिसमें कोई भी नेचुरल सोर्स का यूज़ नहीं किया गया था, वो कौन था, नायलॉन था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। यानी नायलॉन किससे बना था, कोल से बना था, वाटर से बना था और एयर से बना था। यानी आपको अब ये समझ में आ गया ना कि अगर पूछा जाए कि नायलॉन मेड अप मेड फ्रॉम या नायलॉन कैसे बनता है, तो कोल का यूज़ करके यानी कोयले का यूज़ करके, वाटर का या एयर का यूज़ करके। नायलॉन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लश्शर एंड ईजी टू वॉश। यानी नायलॉन फाइबर के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है ना, इलास्टिक होता है, उसमें लचीलापन होता है, लाइट वेट का होता है, लश्शर होता है, लश्शर मतलब क्या होता है, चमकीला होता है, एंड ईजी टू वॉश, और उसको धोना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है ना, बहुत हैवी नहीं होता है, लाइट वेट का होता है, तो आप ईजिली क्या होगा, धो सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये किसका पिक्चर है, ये है नैलॉन का पिक्चर, आपको दिख रहा है ना, शाइनिंग दिख रहा है ना, लश्चर है, चमक चमक चमकता हुआ, और ये बहुत लाइट वेट का होता है, हल्का होता है, और पानी जो है वो ईजली इसके ऊपर, जो वाटर होता है पानी, इसके ऊपर नहीं टिकता है, वो ईजली रिमूव हो जाता है, किसमें, नैलॉन में, है ना। तो अगर क्वेश्चन आए कि किस फाइबर में पानी, कौन सा फाइबर पानी को नहीं सोखता है या पानी इजिली वहाँ से रिमूव हो जाता है, तो कौन आंसर आ विल बी नायलॉन, ठीक है ना। तो नायलॉन फाइबर स्ट्रांग होता है ना, बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, लचीलापन होता है, लाइट वेट, लश्शर एंड ईजी टू वॉश। इट इज़ यूज टू मेक मेनी आइटम लाइक सॉक्स, रोप, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग एंड कर्टेन। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, अभी है, तो आप बता सकते हो कि सॉक्स बनाने में, रोप यानी रस्सी बनाने में, टेंट बनाने में, टूथब्रश का जो ऊपर वाला जो जिससे हम ब्रश करते हैं वो वाला जो पार्ट होता है वो भी नायलॉन से बनता है, कार सीट बेल्ट भी बनता है नायलॉन से, स्लीपिंग बैग भी बनता है, और कर्टेन यानी पर्दा भी बनता है। ये सब चीज़ें किससे बनते हैं, नायलॉन से बनते हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर अ रॉक क्लाइंबिंग। अब एक चीज़ और जान लो कि नायलॉन जो होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, पैराशूट बनाने में और रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। बहुत लोग पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं ना, तो रस्सी की मदद से वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, उनको शौक रहता है, तो वो उसकी जो रस्सी बनती है, रोप बनती है, वो किससे बनती है, नायलॉन से बनती है, ठीक है। अब हम तीसरे टाइप के फाइबर के पास आ गए जो कि सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है ना, वो है पॉलिस्टर, ठीक है ना, पॉलिस्टर। इट रिमेन क्रिप्स,
रिंकल फ्री, रिंकल फ्री मतलब उसमें बबल्स नहीं निकलते हैं। इजी टू वॉश, ये भी इजी टू वॉश है, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर है, तो आपको इसमें ना रिंकल नहीं बनते हैं। रिंकल का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे फर या वर्क कहते हैं ना जो कपड़ों पर आ जाते हैं। आप अगर कोई ऐसे कोई कोई ऐसे कपड़ा है जो आप पहन कर सो जाओ तो अगले दिन आप देखेंगे कि उस पर छोटे छोटे वर, ज़्यादातर वुलन कपड़ों में इस तरह के निकलते हैं, तो वो सब इसके ऊपर नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये ईजी टू वॉश है, ये भी ईजिली वॉश हो जाता है और जल्दी सूख जाता है, रिंकल फ्री है, क्रिप्सी है, क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ड्रेस मटेरियल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आप अक्सर घर में देखे होंगे कि इस तरह के कपड़े मम्मा फैब्रिक वगैरह लेकर आती हैं, जिसके बहुत सारे जैसे फ्रॉक बनते हैं, सूट्स वगैरह बनते हैं इन सब कपड़ों के, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टेरेलिन क्या होता है। टेरेलिन कैन बी ड्रॉन इन टू अ वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। टेरेलिन क्या होता है, एक फाइन फाइबर होता है जो कि अदर अदर जो अदर तरह के जो यार्न होते हैं, कपड़ों के जो धागे होते हैं उसी की तरह बुने जाते हैं, है ना। अब इस चैप्टर में एक बताया गया है कि PET यानी पोली इथाइल टेरा पेथलेट क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जामिनेशन में आ सकता है। और सारे को एक एक पॉइंट को आपको देखना है, क्योंकि स्टेटमेंट बना के दो तीन पॉइंट में आजकल आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में चार या पांच स्टेटमेंट रहते हैं और उसमें से आपको ट्रू फॉल्स बताना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि ऑप्शन वन सही होगा कि ऑप्शन टू सही होगा या दोनों सही होगा, इस तरह कहता है। अगर आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो PET का फुल फॉर्म क्या हो गया, पोली इथाइल टेरा पेथलेट, पेथालेट, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है इसका, याद करना। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। यानी PET का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बॉटल बनाने में, यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने में, वायर बनाने में और अदर प्रोडक्ट में। अब हम आगे एक्रेलिक, एक्रेलिक क्या होता है, एक्रेलिक इज़ ए आर्टिफिशियल वुल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वुल का वुल मतलब आर्टिफिशियल वुल किसको बोलते हैं, तो एक्रेलिक को बोलते हैं। तो हमने चार तरह के भी सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा ना, पहला पढ़ा रियॉन, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिस्टर और चौथा एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या होता है, आर्टिफिशियल वुल होता है, ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ते हैं कि पूरे सिंथेटिक फाइबर का एक निचोड़ माना जाए तो क्या होगा, दे आर ड्राई अप सून यानी जल्दी सूख जाता है, ड्यूरेबल होता है यानी मजबूत होता है, बहुत दिनों तक चलता है, लेस एक्सपेंसिव। मैंने बताया ना कि सिंथेटिक फाइबर का डिस्कवर क्यों किया गया, क्योंकि वो कम खर्चीला रहे, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर होता है वो बहुत कॉस्टली होता है और सब लोग उसको खरीद नहीं सकते हैं, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर का आविष्कार हुआ, ठीक है ना। रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, आप इजली इसको मेंटेन कर सकते। अब सिल्क की साड़ी या सिल्क का कुर्ता ले लो तो आप उसको होम वॉश नहीं कर सकते हो, है ना, होम वॉश नहीं करते हो, आपको लॉन्ड्री में देना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, एक तो वो आपने ख़रीदा भी महंगा और उसको मेंटेन करना भी महंगा है, और ये सब क्या है, आप इजली घर में धो सकते हो, तो इसलिए ये क्या होगा, लेस एक्सपेंसिव हुआ, ईजी टू मेंटेन हुआ, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा एक्रेलिक फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। एक्रेलिक फाइबर का मतलब क्या है, जो कि वुल की तरह दिखता है लेकिन है वो नहीं, वुल नहीं है वो, उनकी तरह दिखता है यानी आर्टिफिशियल वुल किसको बोलेंगे, एक्रेलिक फाइबर को। आप ये देख सकते हो, आप जब आप मार्केट वगैरह जाओगे वुलन क्लॉथ खरीदने तो इस तरह का आपको मटेरियल दिखाई देगा। एक्चुअली इट इज़ नॉट ए वुल, ये एक्रेलिक होता है जो कि वुल की जगह पे बनाया जाता है, ठीक है ना। एक्रेलिक फाइबर इज मेड विथ ए प्लास्टिक थ्रेड, प्लास्टिक किससे बनता है, प्लास्टिक थ्रेड से। लेकिन वुलन कपड़ा किससे बनता था, याक के या शिप के हेयर से बनता था, और उसमें बहुत लंबा प्रोसेस चलता है उसको बनाने में, ठीक है ना। द प्लास्टिक थ्रेड आर मेड अप ऑफ मैन मेड पॉलीमर फाइबर क्रिएटेड फॉर फॉसिल्स फूल थ्रू ए केमिकल प्रोसेस। एक्रेलिक फाइबर इज मेड इन अ वे सिमिलर टू द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमाइड फाइबर, नायलॉन फाइबर एंड पॉलिस्टर फाइबर। एक्रेलिक फाइबर किस तरह होता है, बिल्कुल नायलॉन फाइबर की तरह और पॉलिस्टर फाइबर की तरह, और ये किससे बना होता है, प्लास्टिक थ्रेड से बना होता है ना। क्रिएट फ्रॉम द फॉसिल फ्लू थ्रू ए फॉसिल्स फ्यूल जो होते हैं उसके केमिकल प्रोसेस से क्या बनता है, एक्रेलिक बनता है, ठीक है ना।
एक्रेलिक फाइबर क्लोजली रिलेम्बर लुक लाइक एंड फील लाइक ए वूल फाइबर। मैंने बताया ना कि इसको आर्टिफिशियल वूल कहेंगे, ये देखने में तो लगेगा। अब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग, अगर आप बोलोगे शॉपकीपर से, दुकानदार से कि मेरे को वुलन क्लॉथ दिखाओ, तो वो ये दिखाएंगे। एक्चुअली वो वुलन नहीं होता, वो एक्रेलिक होता है। सब कुछ जो वुलन होते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं, तो वो ये एक्रेलिक फाइबर होता है जो कि दिखने में तो वुलन की तरह होता है लेकिन एक्चुअल में वो वुलन नहीं होता है। एक्रेलिक फाइबर इज लाइट वेट। अब इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी इस खासियत है कि ये लाइट वेट का होता है, हल्का होता है, वार्म होता है यानी गर्म रखता है, एंड सॉफ्ट टू द टच, और छूने में बहुत ही सॉफ्ट आपको अच्छा फील होगा, ठीक है ना। इट इज़ दस यूज इन ए प्लेस ऑफ वूल, इसीलिए इसको यूल के प्लेस में यूज़ करते हैं, एंड ब्लेंडेड विथ ए शिप वूल और कैशमेयर। कॉमन इन प्रोडक्ट ऑफ एक्रेलिक फाइबर इंक्लूड स्वेटर, हैट्स। अब क्या क्या बनता है एक्रेलिक फाइबर? स्वेटर बनता है, हैट्स बनता है, सॉक्स बनता है, एंड नीटिंग यान बनता है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर का नाम ही था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, तो हम इसके पार्ट सेकेंड पर आते हैं। अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट फॉर द स्मॉल यूनिट, दिस कैन बी आइदर लीनियर और क्रॉस लीन। देखो प्लास्टिक क्या होता है, सारे प्लास्टिक एक तरह से नहीं बने होते हैं, किसी में लीनियर अरेंजमेंट होता है और किसी में क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है, ये बताया जाए। प्लास्टिक क्या होता है, ईजिली मोल्ड कर सकते हैं, यानी उसको किसी भी तरह उसको पिघला के कोई भी शेप हम प्लास्टिक को दे सकते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इंटू अ शीट और मेड इंटू अ वायर। अब प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्ड कर सकते हैं, दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, पिघला कर आप दूसरा कुछ बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। थ्री आर पढ़े हैं ना, रीयूज़, रिसाइकल एंड इस तरह का पढ़े हैं ना हमने, थ्री आर पढ़े हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पर कि रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज्ड कर सकते हैं, है ना, कलर कर सकते हैं किसी भी कलर में। आप यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टिक के डिफरेंट कलर आपको दिख रहे हैं। मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं इनटू शीट में और में वायर बनाने में यूज़ करते हैं। अब प्लास्टिक कितने तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक होता है, एक थर्मो प्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और दोनों के क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनके दो जो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी दोनों के गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक इज ए प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजली। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसको आप अगर हीट करोगे तो वो ईजली बेंड हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना, डिफॉर्म हो जाएगा, दूसरा शेप ले सकता है। जैसे एग्जांपल में हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं ना, एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम, कार ग्रिल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। अब आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, ये है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का यूज़ यहाँ पे, ये टॉयज़ है, ये पजल्स बनाने में कैन बी मेल्ट रिपीटिवली। तो थर्मोप्लास्टिक को आप मेल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। क्या होता है कि हीट के प्रेजेंस में आता है जब ये ना, जब इसको, तो ये पिघल जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे आप देखोगे टॉयज़ वगैरह रहते हैं, तो अगर आप गलती से थोड़ा सा गैस के पास, आप यही देखो कि जो आपका नाइफ होता है, चाकू होता है, अगर गलती से आपके गैस के पास रह जाए, या लाइटर में भी थोड़ी सी प्लास्टिक रहती है, वो कौन सी रहती है, थर्मोप्लास्टिक रहती है। अगर हल्के से वो गैस के जो हमारे यहाँ ये कुकिंग स्टोव होता है ना गैस, तो उसके संपर्क में आते ही वो पिघलना शुरू हो जाता है, तो हम जल्दी से हटाते हैं, तो वो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। वहीं आप देखोगे कि जब आप चाय का जो आपका ये रहेगा पैन रहेगा, उसमें भी प्लास्टिक लगी रहती है, लेकिन वो हीट के कांटेक्ट में आकर पिघलता नहीं है। क्यों नहीं पिघलता है, क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो वही हम अभी पढ़ेंगे। तो पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पे हमने क्या सोचा है कि वो ईजिली मोल्ड हो जाता है, हीट के कॉन्टैक्ट में आकर बैंड हो जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, ये टॉयज़ है और ये जैसे ही अगर इस पर हम हीट करेंगे या फायर के कॉन्टैक्ट में आएगा, आग के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ये पिघल जाएगा। और वहीं ये है क्या, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये पिघलता नहीं है हीट या इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट में आता है, तो दोनों में यही डिफरेंस बिटवीन है। तो हमने थर्मोप्लास्टिक पढ़ा, अब हम थर्मोसेटिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन
मोल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग। अब कुछ ऐसे तरह के प्लास्टिक होते हैं कि जब हम उसको कोई शेप दे देंगे तो वो जल्दी अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, जो अपना शेप जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थर्मोप्लास्टिक में एग्जाम्पल क्या पढ़ा, पॉलिथीन एंड पीवीसी, और इसका एग्जाम्पल होगा बेकालाइट एंड मेलामाइन। तो ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकालाइट किस तरह का प्लास्टिक होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। मेलामाइन किस तरह का होता है, तो थर्मोसेटिंग होता है। अगर पॉलिथीन का पूछा जाए कि पॉलिथीन विच टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिंग, पीवीसी, थर्मोसेटिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का एग्जाम्पल क्या होगा और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बेकालाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, यानी ये इलेक्ट्रिक स्विच से रिलेटेड आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो बेकालाइट का जो हमारे घर में स्विच होते हैं ना, स्विच बोर्ड, तो जो स्विच लगते हैं फैन के अलग, ट्यूबलाइट के अलग, ये सब के लगते हैं ना, तो वो किससे बने होते हैं हमारे घरों में जो रहते हैं, वो बेकालाइट के बने होते हैं। स्विचेज, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल। और अभी मैंने चाय बनाने या कुकर वगैरह के जो हैंडल होते हैं उस पे जो प्लास्टिक लगा रहता है, वो किससे बना होता है, बेकालाइट से बना होता है। मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। जो फ्लोर की टाइल्स होती है वो किससे बनी होती है, मेलामाइन के। एंड किचन वेयर, किचन वेयर से भी बहुत सारे किचन वेयर्स होते हैं ना, वो भी किससे बने होते हैं, मेलामाइन से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या है एंड थर्मो सेटिंग क्या है, ठीक है। द बेस्ट क्रिएट बाई सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इज़ नॉट इन्वायरमेंट एंड पो फ्रेंडली। अब मैं इसमें ये बताया है कि जो प्लास्टिक होता है या सिंथेटिक फाइबर होता है, वो इको फ्रेंडली नहीं होता है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ऑन बर्निंग दे क्रिएट पॉइजनस गैस। जब हम इसको बर्न करेंगे, जब इसको जलाएंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत ही पॉइजनस यानी जहरीली गैस निकलती है, ठीक है ना। और इसीलिए बोलते हैं ना, मार्केट में हमेशा आता है, गवर्नमेंट का आदेश आता है सरकार का कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, हमेशा ऐड आता है कि आप पेपर बैग का यूज़ करो, प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करो, प्लास्टिक बैन है बहुत जगह पे। तो यही रीज़न है कि जित प्लास्टिक क्या होता है, ईजिली क्या होता है, ये नहीं होता है, मतलब ईजिली क्या होता है, गलता नहीं है, और वो क्या होता है, और बहुत सारा पॉइजनस गैस उससे निकलता है उसको जलाने पर। और क्या होता है ना कि बहुत सारे अगर जानवर उसको खा ले तो वो मर भी सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए प्लास्टिक बैग बैन होता है। ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड दे मे टेक ईयर टू डीजेनरेट। हाँ, उसको मतलब डीजेनरेट होने में, उसको ख़त्म होने में, अगर आप उस बैग को ग्राउंड में फेंक दोगे, प्लास्टिक बैग को, तो एक तो बर्न करने पर क्या निकलता है, जहरीली गैस निकलती है। अगर आप ऐसे ही फेंक दोगे तो उसको ख़त्म होने में, डीजेनरेट होने में बहुत ज़्यादा, बहुत सालों तक का टाइम लग जाता है। अगर कोई जानवर उसको खा ले तो वो मर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। वो नॉन बायोग्रेडेबल नेचर का होता है, जो कि बायो मतलब सूट नहीं करता है हमारे इन्वायरमेंट को। वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच ए मैनर दैट वी कैन इन्जॉय देयर गुड्स क्वालिटी एंड एट द सेम टाइम मिनिमाइज द इन्वायरमेंट हजार्ड फॉर द लिविंग कम्युनिटी। यहाँ पे बता रहा है कि हमको इस तरह सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का यूज़ करना है जिससे हम उसकी क्वालिटी को तो इन्जॉय करें, और साथ ही साथ थोड़ा कम उसका यूज़ करें, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो रहे वो सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे, और हम भी उससे, अगर हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पेट्रोकेमिकल के बारे में बताया गया है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाई ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ द पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल ए पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल क्या होता है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं जो कि बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, जिसको उसी को क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म दिया है इस चैप्टर में, बायो डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आपको इन दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए और इससे क्वेश्चन बनते हैं। मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज कॉल बायोडिग्रेड। ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से अपने आप डिकम्पोज हो जाए, अपने आप ख़त्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है ना। अननॉन बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं, दोज मटेरियल विच आर इज नॉट ईजिली डिकम्पोज बाई ए नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं,
बायोडिग्रेडेबल का एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि जो हम सब्जियाँ काटते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, पेपर होता है, वुड होता है, ये इजीली क्या होता है इन्वायरमेंट में सॉइल के कांटेक्ट में आकर डिकम्पोज हो जाता है, इजीली ख़त्म हो जाता है, और इसके लिए आपको अलग से कोई भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। वहीं ये जो आप देख सकते हो पॉलीथीन बैग हो गया, ग्लास बॉटल हो गया, या जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसके केन्स हो गए, ये क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, पॉइजनस गैस निकलता है इनसे और ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, आर वेस्ट, फूड वेस्ट हो गया, फ्रूट हो गया, वुड हो गया और वेजिटेबल, ये क्या है बायोडिग्रेडेबल, जो कि ईजिली क्या हो जाए डिकम्पोज हो जाए इन्वायरमेंट में सॉइल के कॉन्टैक्ट में आकर। वहीं अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल पढ़ोगे तो प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, टॉक्सिन केमिकल वेस्ट हो गया एंड मेटल्स हो गया, ये ईजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ MCQ देख लेते हैं, इससे आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और आपको इस चैप्टर को एक बार रिकैप करने में आसानी होगी। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, आप इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि नेचुरल फाइबर कौन है, ऑप्शन ए रियन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पॉलिस्टर एंड ऑप्शन डी कॉटन। तो कॉटन विल बी द करेक्ट आंसर, कॉटन क्या है नेचुरल फाइबर है और रियन नायलॉन एंड पॉलिस्टर क्या है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर, अब इसमें आपको सिंथेटिक फाइबर बताना है, नायलॉन, कॉटन, सिल्क एंड वूल। कॉटन, सिल्क एंड वूल क्या होता है नेचुरल फाइबर है ना, लेकिन नायलॉन क्या होता है आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर आप बन सकते हैं। नायलॉन कैसे बनता है केमिकल का यूज़ करके, और ये क्या होता है नेचुरल प्रोसेस से मिलता है, ये कॉटन के प्लांट से मिलता है, सिल्क होता है सिल्क वर्म से मिलता है, वूल कहाँ से मिलता है शिप से मिलता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस से है, प्लांट और एनिमल फाइबर हैं ये, बट ये क्या है सिंथेटिक फाइबर जो कि केमिकल के यूज से बनता है। रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम, जो रॉ मटेरियल सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए जो सामान जो होता है, जो मटेरियल होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, हमें कोल से भी मिलता है, पेट्रोल से भी मिलता है, नेचुरल गैस से भी मिलता है, यानी सब सारे सारे जगहों से मिलता है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं, नायलॉन को बोलते हैं, रियन को बोलते हैं, पॉलिस्टर को बोलते हैं या सिल्क को बोलते हैं। तो रियन विल बी द करेक्ट आंसर, रियन को क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, जो कि दिखने में तो सिल्क की तरह होता है बट वो केमिकल प्रोसेस से बनता है। इन विच ईयर वॉज नायलॉन मेड, नायलॉन क्या था फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, आपको मैंने अभी पढ़ाया था और आपको बताना है कि किस ईयर में इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो इसका इसकी डिस्कवरी हुई थी 1931 में, यानी 1931 में नायलॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो आंसर विल बी 1931। विच फाइबर इज़ यूज एज ए आर्टिफिशियल वूल, अब आर्टिफिशियल वूल की तरह किस फाइबर का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए एक्रेलिक, ऑप्शन बी रियन, ऑप्शन थ्री नायलॉन एंड ऑप्शन डी कॉटन। तो आंसर विल बी एक्रेलिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, तो कौन सा होता है कॉटन, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी रियन और ऑप्शन डी नायलॉन। तो नायलॉन के बारे में मैंने बताया ना कि बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसका यूज़ बहुत सारे रोप बनाने में, टेंट बनाने में, पैराशूट बनाने में, एयरक्राफ्ट में सब जगह यूज़ होता है, तो इसीलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत जाती हो ज़्यादा होता है। वुड पल्प का यूज़ किस में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि वुड पल्प का यूज़ कौन से फाइबर को बनाने में करते हैं, तो आंसर विल बी रियन। रियन क्या है एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसका जो बनाने का तरीका है, जो इसका रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से लेते हैं नेचुरल सोर्स से, वुड पल्प से लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई विच दे कैन बी मोल्ड इंटू एनी शेप, अच्छा उस प्रॉपर्टी को बताइए, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताइए, वो कौन सा मटेरियल है जिसको हम इजिली किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, वो क्या होता है, तो ऑप्शन ए कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी प्लास्टिसिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर विल बी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा ना कि प्लास्टिक को किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो, और दो तरह की प्लास्टिक हमने पढ़ी, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक कौन है? तो पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक का मैंने दो एग्जांपल बताया था ना, पीवीसी और एक क्या बताया था आप देख लेना, ठीक है ना। तो पीवीसी इज अ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग? थर्मोसेटिंग क्या होगा, कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए बॉटल, ऑप्शन सी क्रॉकरी, ऑप्शन सी शूज एंड ऑप्शन डी हैंडबैग। तो क्रॉकरी क्या होता है? थर्मोसेटिंग होता है। तो यू किचन की यूटेंसिल बनाने में हमने पढ़ा था ना, दो तरह की थर्मोसेटिंग होती है, एक होती है बेकालाइट और दूसरी होती है मेलामाइन। तो मेलामाइन का यूज़ कहाँ करते थे? फ्लोर बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में, और किचन यूटेंसिल बनाने में, किचन वेयर बनाने में। तो क्रॉकरी क्या है? एक टाइप्स ऑफ किचन वेयर है। किचन वेयर यानी आप जो क्रॉकरी होते हैं, लाव पाला वगैरह के जो यूटेंसिल आते हैं, बर्तन आते हैं, वो क्या होते हैं? वो क्रॉकरी होते हैं, है ना। प्लास्टिक दैट रिटेन देयर प्लास्टिसिटी ऑन रिपीटिंग हीटिंग आर कॉल्ड। अगर प्लास्टिक अपने प्लास्टिसिटी को रिटेन करती है बार बार हीटिंग के बाद भी, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मो प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आज के लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बने रहे आपके अपने चैनल में स्टडी विथ इज 24x7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।